मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं मेरे कॉलेज वाले बच्चों से यह बहुत पैसा पंपिन हो रहा है हमारे सेक्टर में वो पंपिंग होता है तो उस पैसे को वापस डबल ट्रिपल करने का प्रेशर होता है ऑर्गेनाइजेशन पे तो नहीं चाहते हुए भी कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे बच्चे को इमोशनल करके वो सेलिंग होने लगती है विच इज नॉट करेक्ट कि जो उन पर ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है पर सर इसे तो एक विरोधाभास भी खड़ा होता है कि हम उन्हीं पे तो ट्रस्ट करके उनके कभी कभी कोर्सेज भी कर लेते हैं आप, आपको कुछ है पर्सनल ओपिनियन आपको कुछ लगा कि सर ये इंसान सही है या ये गलत है विवेक बिंद्र जी सही है या संदीप महेश्वरी कुछ लगा कौन so, सा हो मेरे प्यारे भाईयो तो so, आज हमारे साथ वंस अगेन एन बी सर जुड़ रहे so, so, का जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है जो कि काफी ट्रेंड चल रहा है मतलब कि आप देखोगे तो विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी से भी काफी बच्चे इंस्पायर होते हैं आपकी बातों से तो इन्होंने भी इंस्पायर कर कर के बहुत सारे लोगों को जैसे विवेक बिंद्रा के बारे में मैं कहा जा रहा है बहुत सारे आरोप उठे कि भाई इन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर कर के कोर्सेस वगैरह सेल करे करेंगे नाम तो हालांकि उस वीडियो में उन्होंने लिया नहीं था लेकिन बाद में जब विवेक बिंद्रा ने रिएक्ट किया तो खुल के ये वार छिलने लगा तो पहले के शो में तो कुछ क्लियर नहीं था कि किसके ऊपर बातें हो रही है लेकिन बाद में क्लियर था कि बातें भाई विवेक बिंद्रा ने अपने ऊपर ले लिया था कि भाई हमारे हमें कहा होगा तो Uh, उन्होंने क्या किया कि कोर्सेज uh, जो है विवेक बिंद्रा की टीम ने और उन्हें बोला कि आगे बेचो मतलब कि और कस्टमर लेके आओ आपने भी देख रखा होगा हालांकि mm -hmm. वीडियो लेकिन तभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग जानते नहीं हैं वो भी कनेक्ट हो सके इस वीडियो से तो आपका क्या ओपिनियन है कि uh, जो भी बच्चे देखते हैं उन्हें फॉलो mm -hmm. करते हैं uh, क्या कुछ बच्चे भी हो सकते हैं जो इसमें पढ़ गए हो या बच्चों को कैसे अवेयर रहना चाहिए आपका मतलब एक ओवरऑल क्या असर रहा आप मतलब टिप्पणी क्या है आपकी मतलब मेरे हिसाब से मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इसमें बताऊंगा क्योंकि देखिए मैं संदीप महेश्वर जी को मैंने सुना है विवेक विन्द्रा जी को मैंने सुना है दोनों तो को ज्ञान है इसमें कोई शको संचय वाली बात नहीं है व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है कि मेरी कोई व्यक्तिगत मित्रता हो एक आध बार मिले वो एक अलग बात है बट ऐसी कोई व्यक्तिगत मित्रता नहीं है न मैंने उनकी कोर्सेज परचेज करें हैं पर मेरी व्यक्तिगत राय जो बच्चों को भी मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं मेरे कॉलेज वाले बच्चों से जे नीट के अलावा जो कॉलेज में बच्चे हैं बहुत सारे है जो पास कर चुके हैं उनका है कि सर आप कहते हो तो ऐसे ही सर आपका क्या ओपिनियन है कैसा है क्या है मतलब एक्चुअली क्या है मैं इसमें अपनी थोड़ी व्यक्तिगत जो मेरी विचारधारा है और वो कहाँ से बनी वो भी बताता हूँ बचपन में क्या होता है कि जैसे अब इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हो गए हैं ज्ञान देने वाले लोग हो गए बाकी अपना नॉर्मल लाइफ में जब हम बड़े होते हैं तो हमने संत महात्मा सुने होते हैं जिन्हें हम संत कहते हैं उनको हम जाके सुनते हैं तो उनमें दो विचारधाराएं होती है जैसे मान लीजिए हमारी माता जी हमें संतों को सुनने ले जाती थी तो उनके विचार बहुत अच्छे होते थे जब वो मंच पे या पीठ पे बैठते थे तो बहुत अच्छे विचार वो दिया करते थे अब हो सकता है किसी व्यक्ति में कुछ अवगुण हो कई लोग भी बोलते थे कि यार खुद तो बोल रहे हैं खुद ने तो शाम को आठ बजे भी खाना खा लिया संतों के लिए तो ये बात है कि भाई छः बजे के पहले खाना खा लेना चाहिए हाँ। तो उन पर इसी बात का आरोप लगा दिया कि आठ बजे बाद खाना खाना चाहिए मेरा मेरी माता से जब मैंने कभी ऐसा तर्क करा तो उन्होंने बोला कि और मुझे मैं आज तक इसका अनुसरण करता हूँ मुझे वो सही भी लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है किसी मंच से यूट्यूब आज की तारीखों में पीट टाइप चीज पीट टाइप चीज हो गई है जब कोई मन से बोल रहा है तो वो सही ज्ञान अगर दे रहा है तो उसे हमें लेना चाहिए उस व्यक्ति के अवगुणों को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है संदीप महेश्वरी जी ले, ले, ले या विवेक बिंद्र जी संदीप महेश्वरी जी मोटिवेशन की तरफ ज्यादा चलते हैं फिलोसफी पे ज्यादा बात करते हैं अच्छा बोलते हैं इसमें कोई शक संशाली बात नहीं, नहीं है विवेक जी को मैंने कहीं उनकी वीडियो सुने वो जो शिक्षा में तो हम ऐसे व्यापार की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती बट अगर आप छोटे व्यापारियों की बात करेंगे तो कई बातें वो अच्छी बोलते हैं तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आपने को उनके सही गुणों को अपने को देखना चाहिए उनके बैक एंड पे उनके व्यक्तिगत वो उनके कैसे आचरण हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए वरना हमें वो ज्ञान ग्रहण करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है जो क्षमता है या जो अपन बोल सकते हैं कि जो उन पर ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है पर सर इससे तो एक विरोधाभास भी खड़ा होता है कि हम उन्हीं पे तो ट्रस्ट करके उनके कभी कभी कोर्सेज भी परचेज कर लेते हैं तो जब भी आप अपना कोई मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी कोर्स को लेकर तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपना बौद्धिक जो आपका स्तर है उसका आपको अनुसरण करना चाहिए और अपनी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए वास्तविकता में कि वो कोर्स वाकई मेरे लायक है कि नहीं है क्या मैं किसी इन्फ्लुएंस में लेके तो नहीं कर रहा हूं कि किसी का स्वार्थ तो नहीं है जो मुझे कोर्स बीच रहा ये वैसी बात आपके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब ये वाला फिनाइल ले लीजिए ये बहुत काम करेगा उस समय हमें देखना होता है कि वाकई काम का है या नहीं है तो उस समय आपको अपना बुद्धिक स्तर चेक करना चाहिए तो इन्फ्लुएंस में ना आए पर अपने बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप अपना निर्णय लें मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है मान लीजिए छोटी बात बोली हम भी सर, हम भी कोर्सेज बेचते हैं ना इसमें कोई बात नहीं हमारा हमारे यहाँ मोशन एजुकेशन पे पंद्रह सौ रुपए का अमृत कोर्स भी है पर आप सोचिए हमने सौ सो, रुपये में मैं, मैं टीम को कई बार नाराज भी कहा हंड्रेड परसेंट उसमें रिफंड रखिए आप कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि हो सकता है हमने तो बहुत अच्छे विचारों से बनाया ईमानदारी से रहा करा हूं। मैं आपको बहुत बढ़िया कोर्स है इसलिए मैं बच में बोलना चाहता हूँ बट वाकई बहुत बढ़िया कोर्स है बट फिर भी हो सकता है किसी को नहीं पसंद है कोई बात नहीं आप सात दिन में पूरे पैसे वापस ले लीजिए कोई कोई समस्या नहीं है उसमें आप उतने फेयर होने चाहिए

कल चल के जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं आगे जाके मान लो कि फिर कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे नहीं सर ये सबके लिए इट इज नॉट अबाउट जई नीट ये सारे जितने भी लोग आपको हमें रह देख रहे हैं क्योंकि नॉर्मल आदमी नॉर्मल आदमी जो देख रहा है और मुझे खुशी है कि आप मेरे आप अपने आपने बोला कि सर इस पर मैं बात करना चाहता हूँ पहले मुझे थोड़ा संकोच भी हो अपन किसी पर करें पर फिर मेरे पास सही बताऊँ तो जब आपने बोला उसके बाद मैसेज है मेरे पास रियलिटी में जो बच्चे पूछ रहे सर इसका क्या है तो मुझे लगा इस बात पर बच्चों को सही सलाह देनी चाहिए आप अपनी बौद्धिक क्षमता पे जो है आप विश्वास रखिए कि आप अगर सही से सोचोगे कि आप हावा वेस्ट डिसीजन नहीं ले रहे हो आप किसी प्रभाव में तो नहीं ले रहे हो तो आपको फायदा तो आपको क्या आप, आपका कुछ है पर्सनल ओपिनियन आपको कुछ लगा कि सर ये इंसान सही है या ये गलत है विवेक बिंदर जी सही है या संदीप महेश्वरी कुछ लगा कौन सही हो सकता है देखिए मैंने बहुत एनालिसिस करी नहीं तो हाँ। कौन सही कौन गलत है पर जितना मैं एक आध वीडियो समझ पाया हूं उसमें यह कि भाई शायद मिससेलिंग की बात हो रही है ठीक है कि फोर्सफुली सेलिंग हो रही है फोर्सफुली सेलिंग अगर हो रही है रियलिटी में तो बहुत सही बात नहीं है बट ये भी बोलना कि यार प्रोडक्ट है तो उसके लिए जैसी बात है आज मान लीजिए हमारे भी क्लासरूम के भी कोर्सेज आते हैं सच्चाई है तो हमें उसे अखबार में भी लगाना पड़ेगा अवेयरनेस तो फैलानी पड़ेगी आप क्या संस्थान के किसी भी कोर्स का परिचय देने के लिए आपको अवेयरनेस तो फैलानी पड़ेगी उसका मीडियम डिजिटल हो सकता है उसका मीडियम अखबार हो सकता है फैलानी पड़ती बट क्या उसे भ्रामक चीजें दिखाकर फैलाया जा रहा है तो फिर वो गलत है ये एक थिन लाइन है जो मेरे हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले को लाइन पता होनी आप सर कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर बहुत बातें करते हैं एजुकेशन पर बहुत सारी बातें आप करते हैं आपको क्या लगता है कि क्या एजुकेशन सेक्टर में भी अदर देन दैट जो वो लोग कर रहे हैं मिस सेलिंग या ऐसी चीजें नहीं कर, होनी चाहिए मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैं इस बात से विश्वास रखता हूँ और क्योंकि बहुत सारा पैसा पा बच्चे कैसे चूज करें यार कि हमें ना यही चीज़ लेना है यही कोर्स लेना है क्या एक्चुअली सही तो हमारे सेक्टर में तो क्या है मतलब आपने अलग सा सवाल पूछ लिया हालाँकि आपने बताया नहीं था इस तरह सवाल पूछा क्योंकि मैं ऐसे सवालों से बचता हूँ क्योंकि कई क्यों बार वो नेगेटिव हो जाता है एक्चुअली क्या बहुत पैसा पंपिंग हो रहा है हमारे सेक्टर में वो पंपिंग होता है तो उस पैसे को वापस डबल ट्रिपल करने का प्रेशर होता है ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं। तो नहीं चाहते हुए भी कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे बच्चे को इमोशनल करके वो सेलिंग होने लगती है विच इज़ नॉट करेक्ट ठीक है मेरा ये मानना है हालांकि कई शिक्षाविद इस बात का ध्यान रखते हैं कई शिक्षाविद इस बात पर ध्यान नहीं, नहीं रखते हैं प्रेशर में आके कर लेते मेरे को लगता है कि बस क्योंकि जो हमारा जो हमारी कैटेगरी है जो बच्चा है छोटा जनरली ये वो बच्चा है जो पंद्रह साल से लेकर उन्नीस साल के बीच का है ना ये टीन है ये दिखने में बड़ा दिखने लगता है सही बताऊं तो आप जैसा दिखता है वो आप जैसा दिखने लगता है वो पर वो मन से बच्चा ही होता है उसे मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है तो शिक्षाविद के रूप में मैं भी व्यक्तिगत रूप से कई बार ध्यान रखता हूँ कि कहीं मैं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा हूँ मैनिपुलेट करना और सही सलाह देना इन दोनों बातों में बहुत क्योंकि मैनिपुलेशन का मतलब सलाह जो आपके स्वार्थ को सिद्ध करे ऐसी सलाह जो आपके स्वार्थ को सिद्ध करे उसे मैनिपुलेशन कहते हैं पर सही सलाह ये तो जरूरी है ये तो शिक्षाविद का काम है एजुकेटर का काम है तो कई जगह अच्छा हो रहा है कुछ जगह हो रहा है तुम्हारा तो रोक होनी चाहिए राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब फॉर वीडियो